ये बड़ी पावरफुल गन है, इन्हीं की गन लेके इन्हीं की चौकी को खाली कर दिया। तो ये म्यूजिक बजता है उसका मतलब होता है कि ये चौकी अब पूरी क्लियर हो चुकी है, अब हम यहाँ पे लूट कर सकते हैं। बेस कैप्चर हो गई है, ये बहुत बड़ी इनकी बेस थी जो हमने कैप्चर कर लिया है। तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू फार क्राई 6 एपिसोड 4। तो आज हमें इतने दूर दूसरे वाले मैप, ये जैसे जैसे मैप के हम पास जाते जाएंगे तो ये वाला एरिया ओपन होता जाएगा। अभी ये वाला 3 इसी इसके ऊपर आइलैंड के ऊपर हमारे मिशंस आ चुका है अगला, और इसके रिवॉर्ड है ये वाली, हमें चीज़ मिलेगी ठीक है, फ्यूल द रेवोल्यूशन, वो वाला मिशन है हमारा। अभी हमें गाड़ी बुलानी है यहाँ पे और इनमें से किसी के पास जाना है, सरगाडो चेक पॉइंट। यहाँ पे पास एक चेक पॉइंट भी है, ये हमारा क्लारा का कैंप है जहाँ पे हम रहते हैं, और ये वाली फोर्ट हमने टाउन ये क्लियर कर दिया। अब ये एरियाज रह गए, तो जल्दी से गाड़ी यहाँ पे बुला लेते हैं क्यू दबा के। ये नीचे वो गाड़ी आ रही है दूर से, शायद ड्राइवर भी साथ आया। यहाँ पे ई दबा के इंटर कर जाते हैं ठीक है। Juan, this is a nice car. That's not a car, Danny. That is a 1956 Beaumont Valentina. She's a work of art. Just like me. Except I don't have a ram welded to my chassis to fuck up anyone who gets in your way. Iske andar unlimited definitely wo hain goliyan hain. Now go get those fascists, Tiger. सबसे पहले मैं चाहता हूँ इस वाले के अंदर चलें, तो मैंने निशान लगा दिया। ये गाड़ी खुद नहीं चलती है, इसको किसी तरह की इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी ड्राइवर था, वो पता नहीं किधर गया। ब्रेक लगती है स्पेस से, शिफ्ट से, फॉलो रोड। यहाँ पे तो रोड ही नहीं है। अब ये गाड़ी खुद ही वहां पे जो यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ पहुंच जाएगी। ये ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग है, टेस्ला वालों ने शायद बनाई है इसके अंदर ये सिस्टम। तो ये गाड़ी खुद ही चलती है, लेकिन आगे कोई गाड़ी आ जाए तो फिर ये रुक भी जाती है। फिलहाल हम इस वाली जगह से जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक बड़ी सी चौकी है, वहाँ से शायद हमें गुजरना पड़ेगा। झंडा लगा हुआ है बहुत बड़ा सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। तो ये वाली चौकी लगता है मुझे क्लियर करनी पड़ेगी। अब गाड़ी से उतरते हैं, ई से एग्जिट, तो यहाँ से तो मुझे बार बार गुजरना पड़ेगा। चेकपॉइंट, बेटर बी केयरफुल।
गाड़ी का अलार्म बज गया। इस चीज से इनको मारते हैं। तो इस चौकी को मैंने ऐसे ही गुजरते हुए हमें क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे, मैंने सोचा यहाँ पे दो सिर्फ बंदे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने और भी फोर्सेस बुला ली। और ये कोई बात नहीं, इस बार हम सीधे बस मिशन की तरफ चलेंगे। तो ये गाड़ी यहाँ पे मेरे पास नहीं है, मुझे आई थिंक दोबारा से बुलानी पड़ेगी। इस बार चुपचाप यहाँ से गुजर जाएंगे, वहीं पे निशान लगाया हुआ है। दोबारा से गाड़ी बुलाते हैं, यहाँ पे कोई लेके आएगा बंदा। इधर से आ रही है गाड़ी, ये क्या हो रहा है गाड़ी को, ये ड्राइवर गाड़ी तो लेके आ गई है, ये वाली गाड़ी नहीं थी शायद। वो वाली गाड़ी यहाँ पे नहीं आएगी शायद। ये इस तरफ से आ रही है। Sorry, Wapo. You can't be so loud. Nice choice. गोलियां चलाना शुरू कर दिया उन्होंने। आगे एक दाग सा पड़ गया मेरी गाड़ी के ऊपर। Heading to the fuel depot. Benito wants me to take it back from the army. म्यूजिक तो बहुत अच्छा चल रहा है गाड़ी के अंदर। I'll do what I can, Clara. Clara, I'm at the depot. Libertad needs that fuel.
So taking that depot isn't just about dealing with the army. It also means securing that gasoline. You've got to do this smart, Danny. Find some high ground and use your phone to scout out cameras and alarms. Yeah, I got you. ओके, तो यहाँ पे हमारे ऊपर हमला हो चुका है। तरफ भी बंदे हैं। के पास तो आरपीजी भी है। चीज है यहाँ। अच्छा ये है। ये कुछ जंगल का जानवर था, ये पड़ा हुआ था पीछे। मैंने सोचा पता नहीं कहीं से गोलियां आ रही हैं। उसने भी नहीं बचाया इस बार मुझे। कि हेल्थ कैसे, इसको खाना खिला देते हैं, इसकी हेल्थ बढ़ जाएगी। आई थिंक वो फिर आ गया। एक ही गोली लगती है इनको, इतने कोई खतरनाक नहीं है। वो इसके ऊपर से गाड़ी उतार के ले गया। ओके, इनकी स्किन बिकती होगी शायद। मैंने इन ले लिया है गोश्त वगैरह। मार दिया मैंने इसका घोड़ा, मेरे पास आ चुका है। भी मुझे कुछ गोलियां वगैरह मिल गई हैं। अभी चलते हैं इस वाली चौकी के ऊपर। यहाँ पे हमें कुछ तो करना है। शी इज इंस्पेक्टिंग अ मिलिट्री साइट इन पराडो। ठीक है, बट विच वन? हमें बंदों के ऊपर निशान लगाना है। ब्लास्ट राउंड्स, इस चीज को हमें शायद ब्लास्ट करना है। इसने देख लिया।
इधर बंदे हैं, तो इस कैमरा से बंदे जितने भी हैं इधर छुपे हुए उनकी लोकेशन रिवील हो जाती है। यहाँ से हम उस वाले बंदे को मार सकते हैं जा। देख लिया किसी ने तो। पता है इधर बंदे हैं, उनसे मुझे गोलियां मिल गई हैं। इधर भी कहीं से आ रहे हैं बंदे, तो मैं अंदर ही चला जाता हूँ, इससे बेहतर तो है। यहाँ से मैंने कुछ कलेक्ट कर लिया है। इस वाले बंदे की, इस वाले कमरे की की थी मेरे पास। I've got you, Rosario. एक और किस्म की कोई वेपन मिल चुकी है मुझे, ये वाली है शायद। ये वाली तो थी, ये वाली थी। वो इधर से वो आ चुका है, डरा दिया मुझे उसने। ये वाली नहीं मिली है शायद वेपन। यहाँ पे और कुछ अगर हो तो मैं उठा लेता हूँ। अच्छी गन है। और बंदे होंगे यहाँ पे कहीं पे, तो ये एक बंदा नजर आया मुझे। ये वाली पूरी, ये जो इनकी है ये खाली करनी है चौकी। कहीं से फायरिंग हो रही है, ये बड़ी पावरफुल गन है। इन्हीं की गन लेके इन्हीं की चौकी को खाली कर दिया, तो ये म्यूजिक बजता है उसका मतलब होता है कि ये चौकी अब पूरी क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लूट कर सकते हैं। बेस कैप्चर हो गई है, ये बहुत बड़ी इनकी बेस थी जो हमने कैप्चर कर लिया है। क्योंकि ये यहाँ पे एक किनारे पे है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ला सकते थे यहाँ पे, पर ये बेस इनके, इन्होंने कैप्चर की हुई थी यहाँ से। अब देखते हैं कोई अगर इसके साथ कोई अटैचमेंट मिल गई हो हमें। नज़र तो नहीं आ रही, अगर हो तो यहीं से नज़र आ जाती है। एक गाड़ी है, इसके ऊपर ये जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं वो हैं। ट्रेडिंग वाले के पास चलते हैं, गोश्त वगैरह सारा कुछ ट्रेड कर देते हैं। जगह से पैसे मिल चुके हैं, इससे हम बात करते हैं। ये चाहिए ट्रेडर है कोई। I hear you, Benito. ट्रेड, इससे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन Crazy, sir. ये वाली चीज़ें हैं हमारे पास अभी तक। ये है, ये ग्रोज़ा की तरह नज़र आने वाली BP SMG गन और AK-47। अच्छा, ये इससे वेपन हम परचेज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है। तो ये BP M
ये वाली पावरफुल लग रही है काफी, इसका डैमेज सबसे ज्यादा हो, इस वाली का डैमेज ज्यादा है। और ये एक एम, और ये वाली जो है ये मुझे कुछ बहुत अच्छी लग रही है। हम बस एक ही बाय कर सकते थे, हमारे पास और पैसे नहीं है। देखते हैं अब हमारे पास आ चुकी होगी। तो प्राइमरी वेपन हम ये वाले, इसका डैमेज हमें ज़्यादा है, एक्यूरेसी वैसे थोड़ी सी कम है, लेकिन वो इतनी मैटर नहीं करती। तो इसका तो स्कोप भी है हमारे पास, नहीं ये वो है स्लेंसर स्कोप। स्किन भी मिल चुकी है येलो कलर की। येलो कलर की ज्यादा सही है। इसके साथ ये वाली की चैन, अब देखते हैं ये वाली गन मैंने ले ली है तो अच्छी है, लगता है इसका डैमेज भी अच्छा खासा होगा। अब इसके साथ बात कर लेते हैं, नहीं ये ट्रेडर है तो साथ बात नहीं कर सकते। और कोई अगर यहाँ पे चीज़ हो, लूटने के लिए यहाँ पे और चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही। ये नज़र आ रही है गैसोलीन चीन, गैसोलीन ही गैसोलीन है यहाँ पे। अब भी इसके ऊपर वो बना हुआ आ रहा है। Here, we found a sacred site dedicated to Triada. There's treasure in there, but it's guarded by spirits. I don't want any part of that shit. I wish you luck, compay. Thanks. बस निशिस के साथ बात करनी थी और यहाँ पे मक्खियाँ भी हैं, आवाज़ आ रही है। आमो वगैरह फुल है, और क्या है यहाँ पे, ये फ्यूल भी इनके पास है, ये टैंक है वैसे देखा जाए एक तरह से। अब यहाँ पे अगर कुछ और हम खोल खाल सकें, ये पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल पंप है जो कि बिल्कुल ही उसके समुंदर के किनारे पे है, तो इस पर कब्ज़ा हो चुका था, हमने इसका कब्ज़ा छुड़ाया है। अभी हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। गाड़ी का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, गाड़ी को पीला कर देते हैं ताकि दूर से नजर आए, चेंज ही नहीं हुआ कलर। शायद पैसे लगते हैं। यहाँ पे एक और बंदा है। What? नहीं इससे बात नहीं कर सकते, यहाँ पे अंदर कुछ है। यहाँ पे लूट है काफी अंदर छुपी हुई। ये बुक शेल्फ है, इसके अंदर ये क्या रखा हुआ इन्होंने, गैस टैंक्स वगैरह छोटे छोटे। ये इनका वर्क स्टेशन है, वापिस घूम घाम के हम वापिस वहीं पे आ चुके हैं। ये रेडियो है, अब हमें शायद ये वाला हम क्लियर कर चुके हैं, हम अब दो बचे हैं वो क्लियर करने हैं।
और उनके ऊपर भी ऐसे बंदे होंगे, गाड़ी बुलानी पड़ेगी। ये वाला इलाका क्लियर हो चुका है और ये आप देख सकते हैं लाइटन अप हो चुका है मैप। अब इस तरफ से दूसरी तरफ ये वाले दो रह गए, दो नहीं एक, यहाँ पे पहले दो दो नज़र आ रहे थे, अभी ये वाला एक है। और ये वाली छोटी मोटी पोस्ट भी हमें बाद में क्लियर करनी है। ये काफ़ी एरिया यहाँ पे रेड रेड हो चुका है, मेरे ख्याल से ये वाले पे भी दोबारा से फोर्ट पे उनका कब्जा वब्जा हो चुका है, कुछ ऐसा ही सीन है। जहाँ जहाँ जाते जाएंगे ये वाला एरिया ओपन होता जाएगा। अब हमारा अगला टारगेट ये वाला एरिया है जो कि अभी तक से बहुत ज़्यादा ही कुछ दूर पड़ जाएगा। और ये वाली चौकी सग्राडो चेक पॉइंट, वो उसने हमें जो कहा था कि इनाम मिलेगा वो पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। कुछ वो दे रहा था ना फिशिंग रॉड, वो मेरे ख्याल से टोटल पूरा ये एक ही मिशन है, ये जब कंप्लीट होगा तब जाकर ये होगा, ये हमें मिलेगा। तो हाँ, तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। रात का टाइम हो चुका है। अभी जो अगली चौकी है वो हमें करनी है, तो यहाँ पे मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ रोड के ऊपर। यहाँ से बंदे आ रहे हैं, ये बंदे भी रेड रेड हैं। ये वॉक कर रहा है बंदा इतनी आधी रात को। ये आपस में लड़ रहे हैं पता नहीं क्यों। अच्छा, ये वो बंदे हैं, वो दो बंदे हैं जो यहाँ के लोकल्स को जो है मार रहे थे। मैंने उनको मार दिया है, एक को यहाँ पे फेंका है कहीं पे, ये सभी 14 गोलियाँ मिल गई हैं। तो मैं यहाँ पे रोड पे आके बैठ जाता हूँ। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, वो बहुत ही तेज होती हैं, ये नजर नहीं आती। ये बहुत ही जहरीली हैं, शायद इसलिए इनको मार नहीं रहा है। यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है। बहुत ही तेज बारिश हो चुकी है, चांद निकला हुआ है, लेकिन इस तरफ ओह बिजली भी कटक गई है बहुत तेज। अभी हमें अगली उस पे करना है, ये है ट्रेडर है आई थिंक। तो इस वाले ट्रेडर के साथ हम बात कर सकते हैं, ये नॉर्मल ये हमारे आदमी हैं के पास, ये डॉग है। इन्हीं को मेरे ख्याल से हमने अभी बचाया था। तो अगली एपिसोड यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे बंदे भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा, शिकारी लग रहे हैं मुझे। गाड़ी जा रही है वैसे,
यहाँ पे अटैक हो रहा है। इस वाली चौकी के अंदर भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी काम की हैं। एक ये वाला बॉक्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे फाइट हो रही है इनके दरमियान, पता नहीं यहाँ पे कौन है। ये जिस बंदे को मैं बचा रहा था वो भी मर गया और बाकी दूसरे बंदे भी मर गए। हेडशॉट से जल्दी मर जाते हैं। इसके पास भी मेरे हाथ से अपना पेट है, मेरा पेट वहाँ पे है कहीं पे, नहीं बल्कि ये मेरा पेट है मेरे हाथ से, नहीं ये घोड़ा है उन्हीं का, दुश्मन का। और ये उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो ये वाली चौकी आई थिंक क्लियर हो चुकी है। इसके पीछे मेरे वाले उसके पीछे लगे हुए हैं बहुत सारे। ये इनकी स्किन भी ले लेता हूँ। तो सारी उन्होंने वो कर दिया हेल्प। Who's a good cocodrilo? ये तो बस लास्ट चौकी वो वाली रह गई है उस कोने पे। उस अगली एपिसोड में उस पे गाड़ी लेके जाएंगे, तो वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे भी लाशें पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। ये वाली चौकी छोटी सी थी, ये मैंने मेरे ख्याल से क्लियर कर दिए। के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अपने फार क्राइसिस के अगले ट्रायल एपिसोड के साथ। गुड बाय।